हेलो एवरीवन। सो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये पूरे हफ्ते मैं क्या खाने वाली हूँ। और आज है ट्यूसडे, सो मॉर्निंग में एज़ यूज़ुअल मैंने वॉर्म वाटर लिया और फिर मैंने इडली डोसा का बैटर बनाया था। तो कल मॉर्निंग में मैंने उसका इडली बनाया था और आज मैंने सेम बैटर से उत्तपम बनाया था। सो वो मेरा ब्रेकफास्ट था और साथ में चाय, जिसमें कि मैंने शुगर नहीं ऐड किया था, गुड़ ऐड किया था, और ओवरनाइट सोक्ड आलमंड थे 6 से 7। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट था, चाय के साथ उत्तपम एंड कुछ सोक बादाम। उसके बाद फिर से, चूँकि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो मैंने एक और चाय ली, सेम वैसे ही, शुगर नहीं था उसमें, गुड़ ऐड था। और फिर कोई भी एक, आज जैसे कि मैंने एक एप्पल खाया लंच के पहले। जब कुछ खाने का मन हो तो आप, मतलब इस टाइम पे मैं जनरली फ्रूट्स खाती हूँ। सो एक एप्पल ले लिया और लंच में आज मैंने बनाया था सोना मसूरी राइस और साथ में पपीते की सब्जी, बेल पेपर, कैप्सिकम और अनियन को मैंने हाई फ्लेम पे बिल्कुल उसको स्टर फ्राई कर दिया था, वो था, और दही और नींबू वाले प्याज डेफिनेटली। सो ये मेरा लंच था। फिर मैंने उसके बाद, मुझे स्नैक्स के पहले मैंने एक या दो डेट्स खाया और फिर शाम को चाय मैंने ली। चाय के साथ मेरा मैंने नमक पारे बनाए हैं, जिसे हम निमकी बोलते हैं घर में ही। होल व्हीट फ्लार का मैंने बनाया है। मैं मैदा जनरली मैं नहीं यूज़ करती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ। सो मैंने होल व्हीट फ्लार का मैंने नमक पारे बनाए हैं, निमकी बनाया है, तो वो मैंने चाय के साथ लिया। ये शाम की चाय हुई मेरी। फिर रात के डिनर में मैंने पपीते की ही सब्जी थी मेरी और उसके साथ मैंने साइड में एक मशरूम बनाया, जो कि काफ़ी आसानी से बन जाता है। जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए उसके लिए और टमाटर। वो मशरूम की सब्जी और उसके साथ वही बेसन ज्वार बाजरा की मिक्स रोटी। ये मेरा डिनर था, रोटी, मशरूम की सब्जी और पपीते की सब्जी। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ये कम्प्लीटली आलू को रिप्लेस करता है अगर आप खाते हो तो। मुझे बहुत पसंद है, कम ऑयल में आप बनाओ और मसाले भी बिल्कुल ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ये मेरा डिनर था। तो बस डिनर हो गया है और अब सोने की तैयारी है और फिर से कल आपको मैं शेयर करूँगी कि वेंसडे का क्या मेरा खाना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।